हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणकम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूं हमारे 4 नंबर वार्ड के जो सैनिटरी ऑफिस है म्यूनसिपल के, मैं उसके सामने खड़ा हूं। इस सैनिटरी के एक स्टाफ है जिसका नाम है मिस्टर प्रवीण सिंह। उस प्रवीण सिंह का जो है, मुझे अपने गुप्तचरों से मालूम चला है कि उसे 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक वो पुलिस के रिमांड में था। 1 तारीख को उसको अरेस्ट करके पुलिस जो है उसको कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद में उसको 2 दिन पुलिस का रिमांड में उसे रखा गया था, 2 और 3 तारीख को, और उसके बाद में 4 तारीख को उसे बेल मिला। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, आप लोग को सुनकर ताज्जुब होगा कि वो इंसान जो है अभी तक का जॉब में है। म्यूनसिपल का जो DRM का स्टाफ है वो अभी तक का जॉब में है, नौकरी कर रहा है, और मई का पेमेंट जो है वो उठा भी चुका है। मेरे पास उसका एक, मेरे गुप्तचरों से उसका जो इन्फॉर्मेशन मिला है, मई का पेमेंट जो है वो 13,917 रुपया उठा भी चुका है। तो आप इससे सोच के देखिए कि कितना बड़ा धांधली चल रहा है कि इसमें यहाँ के जो इंचार्ज है, सैनिटरी जो इंस्पेक्टर है, वो ये प्रवीण सिंह के जो है बड़ा भाई है। उनसे मैंने बात किया तो वो सफा मुकर गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ताकि वो अपना मुंह से बोल दिए कि ये 2 दिन पुलिस रिमांड में थे। आइए उनसे बात करते। प्रवीण सिंह वो कहाँ पे ड्यूटी करते सर? वो तो 4 नंबर है, 5 नंबर। आप 4 नंबर का इंचार्ज भी आप ही है? वो अभी कहाँ पे है सर? ड्यूटी में। कब से ड्यूटी करते सर वो? 2007 2013 से। और वो मई का पेमेंट भी उठा चुका है, 13,917 रुपया मई का पेमेंट भी उठा चुका है। जो दिन वो ड्यूटी नहीं आया वो दिन उसका हाजिरी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग उसमें सिस्टम में ऐसी है, जो नहीं आदमी आता उसका हाजिरी नहीं लगता। वो पुलिस कस्टडी में था 2 दिन, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला। पुलिस कस्टडी में थे आप बोलते? 2 दिन। पुलिस कस्टडी में अबेडिन थाना में? अबेडिन नहीं, टेलाबाद थाना में। अच्छा, टेलाबाद थाना में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम आपसे पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आने के बाद कलेक्ट करिए, करेक्ट फिर बोलिए, तो मेरे से जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगा मैं आपको जरूर दे। ओके सर, धन्यवाद। वो पुलिस कस्टडी में थे पाड़गांव थाना में। तो आइए फिर इसके बारे में और भी बाकी डिटेल जो है पुलिस विभाग से लिया जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी स्टाफ है वो अगर 24 आवर्स अगर गवर्नमेंट पुलिस के अगर रिमांड में या पुलिस उसको अरेस्ट करता है, उनको पर कोई केस दायर होता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इसे अभी तक का कोई प्रकार का ना इसको सस्पेंड किया, ना ये डिपार्टमेंट को जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर जो इनका बड़ा भाई है वो ना तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया है। वो आज तक का नौकरी कर रहा है, और नौकरी करने का बावजूद और उनको मई का पेमेंट भी वो उठा चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। देखिए ये कितना बड़ा जो है ये धांधली चल रहा है। क्या ये हमारे जो म्यूनसिपल सेक्रेटरी सर को ये चीज़ मालूम है या नहीं है? मुझे नहीं मालूम। और यहाँ के जो SO है और SI है जो उनको ये चीज़ का नहीं मालूम है कि एक इंसान 4 दिन जो है पुलिस रिमांड में, पुलिस कस्टडी में रह के वो आज नौकरी कर रहा है, ये कैसा नौकरी कर रहा है? तो मेरा म्यूनसिपल सेक्रेटरी सर से मेरा निवेदन है और अंडमान निकोबार प्रशासन से मेरा निवेदन है कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी जांच करिए, और इसमें जो जो मिले हुए भगत, जितने भी जन इसमें मिले हुए शामिल है, चाहे वो सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, उनका भाई क्यों ना हो, और जो भी इसमें अफसर मिले हुए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि आइंदा और किसी के साथ में इस तरह ना हो। क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार में ऐसी जो है बच्चे बेचारे पढ़ लिख के बैठे हैं घर में, हाई हाई डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं है। लेकिन एक स्टाफ को जेल में जाके आने के बाद में, पुलिस रिमांड में जाके आने के बाद में भी वो जॉब में रखा हुआ है। तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे साथ में, हमारे अंडमान निकोबार के जनता के साथ में? एक तरफ नौकरी नहीं मिल रहा, और जिसको नौकरी मिला है वो 4 दिन पुलिस का रिमांड में कस्टडी में रहने के बावजूद भी उसे सस्पेंड नहीं करके उसे गवर्नमेंट पेमेंट देकर, और नौकरी आज भी वो नौकरी कर रहा है। तो देखिए ये किस कदर का यहाँ पे धांधली चल रहा है म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के 4 नंबर वार्ड के सैनिटरी जो ऑफिस है उसमें। तो मेरा प्रशासन से और एक बार अनुरोध है कि इनके ऊपर जो जो इसमें शामिल है,
ये घोटाले पे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ओके, जय हिंद।